हित में साधु संत के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे। ये साधु है, ये संत है, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या बिगड़ा। लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई, तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत करने किया। गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों पर जमकर भड़के, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध दिया और कहा कि जब हमारे खिलाफ एक दो नहीं बल्कि साधु के वेश में आतंकवादी हत्या कराने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी हुई थी और कानून की दुहाई दे रही थी। जितने साधु संत के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। मंच से बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज सत्ता पक्ष के एक नेता के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, किस बात का हिंदू? हिंदू नीच होने के लिए? हिंदू आपकी गुलामी करने के लिए? सत्ता पक्ष के बड़े नेता ने कहा, दुख व्यक्त किया कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। किस बात का हिंदू? हिंदू नीच होने के लिए, हिंदू अधम कह जाने के लिए, हिंदू आपकी गुलामी करने के लिए आज आपको हिंदू की चिंता लग रही है? और जब कल तक आपने इनको पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया था, नारी सूत्रों न दिए था, यानी देश की स्त्रियों को, किसी वर्ग की स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज, किसी वर्ग की हो, किसी भी स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे कहते हैं कि हिंदू, बौद्ध, सिख जो भी थे वो हिंदू थे, समय समय पर धर्म परिवर्तन कर वो अन्य धर्मों में चले गए, ऐसे में सभी हिंदू थे, तो आखिर मुसलमान कहां से आ गए? आज इनको चिंता हो रही है हिंदू मुसलमान की? अरे भाई, आप लोग क्यों चिंता करते हो? आपके आरएसएस के प्रमुख को कहते हैं इस देश में जो भी है वो हिंदू है। आपके आरएसएस के प्रमुख कहते हैं बौद्ध वो भी हिंदू है, जैन वो भी हिंदू है, मुसलमान वो भी हिंदू है, ईसाई वो भी हिंदू है, क्योंकि वो कभी हिंदू थे, अपना धर्म परिवर्तित कर समय समय पर कोई इस्लाम धर्म स्वीकार किया, कोई जैन धर्म स्वीकार किया, कोई ईसाई धर्म स्वीकार किया। जब आप ये जानते हो कि सब हिंदू हैं, तो मुसलमान कहां से आ गए? एक एक बात तो, या तो कहो सब हिंदू हैं, और या कहो सब कि हिंदू नहीं बल्कि अलग अलग है। अगर अलग अलग है कहते हो, तब तो बात समझ में आती है कि हिंदू की संख्या घट रही है और मुसलमान की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में क्यों जाते हो? उन्होंने कहा कि संविधान की कसम लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसी भारतीय संविधान का कसम खाकर प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उसी भारतीय संविधान की कसम खाकर आप मुख्यमंत्री बनके बैठे हो। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि जो लोग भारतीय संविधान की कसम खाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हैं, वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर संवैधानिक है। यही गाजीपुर उस दिन पूरे देश की सुर्खियों में
दिखाई पड़ा था जब पाकिस्तान की 18-18 टैंकें भारत की ओर दंडराती हुई चली आ रही थी, तो आरएसएस और भाजपा के लोग दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़े। पाकिस्तान की 18 टैंकों को तोड़ने वाला अगर कोई जवान था तो इसी गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद था। आप आते हिंदू मुसलमान को मौर्य आगे कहते हैं कि ये लोग देश के दुश्मन हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे की बीज बोना है। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाकर हमें शुद्ध बनाकर गुलामी करने को मजबूर करेंगे। आपको बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये देश के हितैषी नहीं, ये देश के दुश्मन है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे की फिर से बीज 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 बोना है, बीजारोपण कर रहे हैं, देश के बंटवारे का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में 5 साल के ब्राह्मण को 100 साल के क्षत्रिय का पिता बताया गया है। मनुस्मृति में क्षत्रियों में क्या लिखा जानते हैं? राधेव सिंह याद पढ़ लीजिएगा मनुस्मृति। पंच वर्षम तू ब्राह्मणम शत वर्षम तू क्षत्रपा पिता पित्रो बीजानी ब्राह्मणस्तय पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का बाप होता है। यह मनुस्मृति कहती है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहते, ये मनुस्मृति कहती है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये 5 साल के ब्राह्मण के बच्चे को 100 साल के क्षत्रिय का बाप बनाने की कवायद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अतीक हत्याकांड पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो आज के गुंडे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी आप अपनी ही पुलिस को निकम्मे होने का प्रमाण दे रहे हैं। 3 किराए के गुंडे आते हैं दे दरादंग गोलियों की बौछार कर यूपी पुलिस को चुनौती देते हुए हंसते हंसते सरेंडर कर जाते हैं। पुलिस की एक भी गोली नहीं चली, क्योंकि इत्तेफाक से इस जाति व्यवस्था में आप मुख्यमंत्री की राजनीति नहीं पैदा हुई हो, इसलिए आपको गोली बनवाने में किसी प्रकार कोई संकोच नहीं आए। सावधान रहना, जो काम न्यायपालिका को करना है आज किराए के गुंडे कर रहे हैं, वही अपराधी है तो अपराधी है तय करना काम न्यायालय का है, अपराधी है सजा देने का काम न्यायालय का है। वो चाहे फांसी दे आजीवन कारावास दे, यह अधिकार केवल न्यायपालिका को है। किराए के गुंडे माफिया अपराधियों को किसी को भाड़े पर लेकर के आप सजा नहीं दिला सकते। और सजा दिला के कर क्या रहे हैं? आप अपनी ही पुलिस को निकम्मे होने का प्रलाप दे रहे हैं। मौर्य आगे कहते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले यही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की आड़ में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, जब साधु के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे, सभी लोग कोई मेरा सिर काटने का इनाम दे रहा था तो कोई मेरी जुबान काटने का, लेकिन योगी सरकार के द्वारा किसी के भी खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले सारे के सारे आतंकवादी थे। आपकी आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते, धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही तो कहा था ना,
और क्या पूरा भूचाल आ गया। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे, किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं, किसी ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे, किसी ने कहा 51 लाख देंगे, किसी ने कहा 21 लाख देंगे, किसी ने मेरे जीभ काटने का फरमान सुनाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काटेगा उसको 21 लाख देंगे, किसी ने कहा 11 लाख देंगे, किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का ना तो हाथ काटने की बात की तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ काटने की कीमत लगाई। ये साधु है, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे एक एक करके उनकी जुबान फूलने लगी, हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई, तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत करने किया। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।